तो आदिवासी इलाकों में सिलिकोसिस नासूर बनता जा रहा है जो कई लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, नाइट टूरिज्म पर फोकस की बात कर लेते हैं। राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं पर्यटन विभाग ने नाइट टूरिज्म को लेकर भी कवायद शुरू कर दी है। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के निर्देशों पर पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने रोडमैप बनाने का काम शुरू किया है। एक ओर जहां नाइट टूरिज्म में पर्यटकों को राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, तो इसके जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नाइट टूरिज्म पर फोकस, सरकार चौकस। नाइट टूरिज्म को लेकर तैयार हो रहा रोडमैप। कल्चरल नाइट इवेंट्स, नाइट मार्केट, फूड ट्रेल्स पर नजर। टूरिज्म बढ़ाने का प्लान, पर्यटन मंत्री का ध्यान। बजट में नाइट टूरिज्म पर हो सकती है घोषणा। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भजन लाल सरकार ने कवायद तेज कर दी है, वहीं नाइट टूरिज्म में भी तेजी लाने के लिए पर्यटन विभाग ने कमर कस ली है। मंत्री दिया कुमारी के निर्देशों पर पर्यटन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत देशी विदेशी पर्यटक दिन में मॉन्यूमेंट्स का विजिट करेंगे तो रात को राजस्थान की कला संस्कृति के रंग से रूबरू होंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग एक कार्य योजना तैयार कर रहा है। राज्य में कैसे नाइट टूरिज्म में गतिविधियां बढ़े और पर्यटक जो है जो पूरे दिन भर शहर में और स्थानों पर ठहरने के पश्चात रात्रिकालीन कल्चरल और इवेंट्स का अनुभव ले सके, इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने भी विभाग को निर्देश दिए हैं कि उसकी कार्य योजना बनाए। माना जा रहा है कि नाइट टूरिज्म के दौरान कल्चरल इवेंट नाइट, नाइट मार्केट, फूड ट्रेल्स, एस्ट्रो नाइट, स्काई टूरिज्म जैसे इवेंट्स के आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा कठपुतली शोज, फोक डांसेस, फोक संगीत से पर्यटक रूबरू हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर नाइट टूरिज्म को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। विभिन्न तरह के आयोजनों का प्लान बनाए, उन आयोजनों को मूर्त रूप दें, तो उस पर हम काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में राज्य में जयपुर और जयपुर से राज्य के अन्य शहरों में नाइट टूरिज्म के तहत कुछ न कुछ गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। माना ये भी जा रहा है कि 10 जुलाई को आने वाले बजट में नाइट टूरिज्म को लेकर घोषणाएं हो सकती है। दरअसल राज्य सरकार का पर्यटन पर विशेष फोकस है। राजस्थान में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही। इसके अलावा पर्यटन से रोजगार का भी सीधा संबंध है, क्योंकि एक पर्यटक के आने से 13 अलग अलग तरीके के रोजगार सृजन होते हैं। न्यूज 18 के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए 8 की फाइट। नमस्कार। हल्ता की